दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शहर के गोल्फ कोर्स रोड पर एक तेज रफ्तार स्कोडा कार चालक ने दो बाइक पर सवार चार डिलीवरी बॉयज को कुचल दिया। इन चार युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इसी हादसे में एक शख्स घायल बताया जा रहा है। मामले की खबर मिलते ही डीएलएफ फेस वन पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लेकर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा कल देर रात हुआ। सर, ये एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी से, फोर व्हीलर से। हमारे बंदे आ रहे थे रेस्टोरेंट से निकल के, यहाँ से गाड़ी वाले ने फोर व्हीलर वाले में टक्कर मार दी और चार बंदे की स्पॉट पर मौत हो गई। मेरा नाम सुजीत है। हाँ। और जो ये था वो मेरे मामा थे। अच्छा। हाँ। क्या नाम है? उनका नाम था जितेंद्र बंदल था। और दूसरे का? और एक का नाम था भाई मेरा राजरीश नाम है उनका, 20 साल उम्र है उसका, और जो मेरे मामा था उनका है 35 साल। अच्छा, ये कैसे हुई घटना और कितने बजे घटना है? ये था 12 बजे करीब घटना था। ये कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। बिहार कौन सी जगह के? सीतामढ़ी का। कार की रफ्तार कितनी तेज थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाइक के परखच्चे तक उड़ गए। इतना ही नहीं, कार भी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। वहीं कार चालक को गिरफ्तार कर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं युवक शराब के नशे में तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।